स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप एग्जाम दिए हैं और आपके एग्जाम में कम नंबर आए हैं और आप अपने आंसर शीट को दोबारा से चेक करवाना चाहते हैं, या फिर आप एग्जाम में जो लिख कर आए हैं आप आंसर शीट को बाय पोस्ट अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं, तो इन दोनों चीजों के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए कम्प्लीट देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा री इवेल्युएशन, इस पर आप क्लिक करेंगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो अगर आप जून 2020 का एग्जाम सितंबर या फिर अक्टूबर में दिए है और आप अपने आंसर शीट को दोबारा से चेक करवाना चाहते है, या फिर आप आंसर शीट को बाय पोस्ट अपने घर पर मंगवाना चाहते है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस है जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जर्नल इंस्ट्रक्शंस, इस पर आप क्लिक करेंगे ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी जरूरी गाइडलाइंस है, जो भी जरूरी रूल्स है, उसको आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर ये चीजें इंग्लिश में दिया गया है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहे तो इसे हमारे वेबसाइट पर हिंदी में दिया गया है, तो आप हमारे वेबसाइट पर आकर के इसे हिंदी में भी पढ़ सकते है। तो अगर आप अपने आंसर शीट को दोबारा से चेक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना होगा। और अगर आप अपने आंसर शीट को बाय पोस्ट या फिर ईमेल के माध्यम से अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो ये दोनों चीजें क्या है पहले इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। आप इग्नू के किसी भी सेशन में एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद आप एग्जाम में 2 या 3 नंबर से पास नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में आप जो है री इवेल्युएशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके आंसर शीट को जो है दोबारा से चेक किया जाता है। आसान से शब्दों में आप अपने आंसर शीट को दोबारा से चेक करवा सकती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जाम में जितना लिख कर आए हैं और आपको उतने अच्छे नंबर नहीं दिए गए हैं, तो आप री इवेल्युएशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पर आपको री इवेल्युएशन के लिए तभी अप्लाई करना चाहिए जब आपको लगे कि वास्तव में आपको जितने नंबर मिले थे उतने नंबर नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर भी ये लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर जो भी जरूरी रूल्स है वो यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। अगर आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको जो है पर सब्जेक्ट का जो है 750 रुपए ऑनलाइन पे करना होगा। साथ ही में आपको बताया गया कि जब आपके एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो उसके 30 दिनों के भीतर आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम का रिजल्ट जो है 30 सितंबर को आया, तो आप जो है 30 अक्टूबर तक री इवेल्युएशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपके एग्जाम का रिजल्ट उस दिन से गिना जाएगा जिस दिन आपके एग्जाम का रिजल्ट इग्नू के वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो चीज आपको इंग्लिश में बताया गया है वही चीजें यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है, तो आप दोनों में से किसी को भी पढ़ सकते हैं, दोनों का लिंक नीचे दिया गया है। साथ ही में अभी आपके ग्रेड कार्ड में जो भी मार्क्स है, अगर री इवेल्युएशन के बाद 2 अंकों तक का बढ़ोतरी होता है तो आपके री इवेल्युएशन के मार्क्स को ग्रेड कार्ड में एड किया जाएगा। जैसे कि आपके ग्रेड कार्ड में मान लीजिए अभी 33 नंबर है, तो उसमें बढ़ोतरी होता है तो उसे 35 नंबर कर दिया जाएगा। आपके री इवेल्युएशन का रिजल्ट इग्नू के वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा, यानी कि आप आंसर शीट री चेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका जो भी परिणाम होगा वो इग्नू के वेबसाइट पर ही अपडेट किया जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को फाइनल ग्रेड कार्ड जारी किया जा चुका है और री इवेल्युएशन के बाद अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स में बढ़ोतरी होता है तो स्टूडेंट्स के ग्रेड कार्ड में संशोधन किया जाएगा। और नंबर 7 में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, आप जिस दिन आंसर शीट री चेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे उसके 30 दिनों के अंदर आपके री इवेल्युएशन का रिजल्ट इग्नू के वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। साथ ही में आप री इवेल्युएशन के लिए सिर्फ थ्योरी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो है प्रैक्टिकल एग्जाम, लैब कोर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, इन सभी चीजों के लिए जो है री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ थ्योरी एग्जाम के लिए आप जो है री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको आंसर शीट जो है बाय पोस्ट अपने घर पर मंगवाना हो तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है जरूरी रूल्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं, तो यहाँ पर इन चीजों का आप पढ़ सकते हैं। साथ ही में हमारे वेबसाइट पर भी इसे अपडेट किया गया है, यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इंट्रोडक्शन फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि एग्जाम देने के बाद अगर आपको ये पता करना हो कि आपको कौन से क्वेश्चन के आंसर में कितने मार्क्स दिए गए हैं, तो आप अपने आंसर शीट को बाय पोस्ट अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको जो है फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए
लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कई बार ये होता है कि आपके आंसर शीट को जो है बाय पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाता है, और कई बार ये है कि ईमेल के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाता है। तो अगर आप जो है फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी इसका लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहीं पर आ जाएंगे। किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीज है इसके बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको जो भी रूल है वो आपको बताया गया है। अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको जो है पर सब्जेक्ट का 100 रुपए देना होगा, यानी कि 100 रुपए आपको फीस सबमिट करना होगा। जब आपके एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो उसके 45 दिनों के भीतर आप जो है फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है। साथ ही में यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके एग्जाम का रिजल्ट उस दिन से गिना जाएगा जिस दिन आपके एग्जाम का रिजल्ट इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। और अगर आप यह पाते हैं कि आपके किसी क्वेश्चन का आंसर चेक नहीं किया गया है या नंबर टोटलिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे नोट कर सकते हैं, और 15 दिनों के अंदर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट को अपने रीजनल सेंटर पर जमा करवा सकते हैं तो आपके प्रॉब्लम को सही कर दिया जाएगा। यानी कि आप जो है अपने आंसर शीट को बाय पोस्ट अपने घर पर मंगवाते हैं या फिर ईमेल आईडी पर मंगवाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है किसी क्वेश्चन के आंसर का नंबर नहीं दिया गया या फिर नंबर टोटल करने में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मिस्टेक है, तो उसे आप नोट कर सकते हैं और आप अपने रीजनल सेंटर पर जाकर के उस चीज को सही करवा सकते हैं। और आप चाहे तो फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट और री इवेल्युएशन के लिए दोनों के लिए आप जो है एक साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में देखिए अगर आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो इसका जो भी लास्ट डेट रहता है इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता है, ये यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें भी आपको बताया गया है। साथ ही में नंबर 7 में आपको इम्पोर्टेंट चीज बताया गया है कि जब आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको जो आपका आईडी कार्ड है उसे स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर ये जो जरूरी इंस्ट्रक्शंस है वो आपको बता दिए गए हैं। और साथ ही में देखिए यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दिए गए हैं, तो अगर आपका कोई समस्या है तो इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, इसका लिंक नीचे दिया गया है, और यहाँ पर भी आपको एक रेड कलर में बताया जाता है कि यहाँ पर ये जितने भी सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं एमसीक्यू बेस्ड के सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिए गए हैं, इनके लिए आप जो है रिवैल्यूएशन के लिए और फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पेमेंट आपको जो है ऑनलाइन करना होगा, यहाँ पर पेमेंट मेथड भी आपको बता दिया गया है। यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन दिया जाता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा आई एग्री एंड प्रोसीड, इस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको फिर से मिल जाएगा टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 एग्जाम स्टूडेंट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, यहाँ से प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको जो है ये मिल जाएगा रिवैल्यूएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपका सभी डिटेल आ जाएगा। सिक्योरिटी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीजों को ब्लर कर दिया है, नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एग्जाम सेंटर कोड, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका एग्जाम जिस भी एग्जाम सेंटर पर हुआ था वो एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे री इवैल्यूएशन के लिए और फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए वो सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आ जाएगा और आपके एग्जाम का रिजल्ट जिस दिन भी डिक्लेयर किया गया होगा यहाँ पर वो डेट भी आ जाएगा और आपको एग्जाम में कितने नंबर मिले हैं वो भी यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। साथ ही में नीचे करेंगे तो यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें हैं, इसे आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेलेक्ट कोर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे री इवेल्युएशन के लिए और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पर वही सब्जेक्ट आ जाएगा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एक और ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई फॉर, आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अगर आप जो है अपने आंसर शीट को दोबारा से चेक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है री इवेल्युएशन पर क्लिक करेंगे और अगर आप जो है अपने आंसर शीट का कॉपी जो है स्कैन कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट इस पर क्लिक करना होगा और अगर आप रिवैल्यूएशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट दोनों ही चाहते हैं तो यहाँ आप बोथ सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी ठीक लगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो है जितना भी फीस होगा यहाँ पर इस तरीके से आपको बता दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम री इवेल्युएशन सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए जो है 750 रुपए निर्धारित किया गया, तो यहाँ पर ये बता रहा है। इसी तरीके से अगर आप जो है कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 100 रुपए बताएगा और लास्ट डेट जो भी होगा यहाँ पर आपको लास्ट डेट भी बता दिया जाता है, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसका लास्ट डेट आपको बता देगा। यहाँ आप एड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो है एड हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा अपलोड इग्नू आईडी कार्ड, तो आपका जो आईडी कार्ड है उसका स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट भी दिया गया है जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और आपके आईडी कार्ड का स्कैन कॉपी जहाँ पर भी रखा गया है उसे पिक करेंगे और
यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे तो उसके बाद जो है आपको सिर्फ पेमेंट करना होगा, तो आपका जो है इसके लिए अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आप इन दोनों चीजों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे यहाँ पर दोनों के लिए भी कर सकते हैं और किसी एक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी जरूरी इंस्ट्रक्शंस है इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे, यदि आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।